हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन डायरी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं इंस्टेंट रसमलाई की रेसिपी। तो अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो इसको आप फटाफट बना सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं आती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंस्टेंट रसमलाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है। यहाँ पे मैंने छोटी साइज़ की ब्रेड ली है, आप चाहे तो बड़ी साइज़ की ले सकते हैं। फिर उसको किसी कटोरी या ग्लास की सहायता से अपने मनचाहे शेप में इसको कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटी कटोरी का इस्तेमाल किया है और ये देखिए मैंने इसको सर्कल में कट कर लिया है। इसी तरह मैंने अपने सारे ब्रेड की स्लाइस से कट कर ली हैं। फिर उसके बाद मैंने पैन में 1.5 ग्लास के करीब दूध लिया है और इसको हम बॉयल करेंगे। और ये देखिए अब मेरा दूध धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है हीट होना। और अब हम इसमें 2 चम्मच भर के शक्कर डाल देंगे और इसको मीडियम आंच पे चलाते रहेंगे। तो ये देखिए दूध मेरा थोड़ा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर पानी में घोल के इसको धीरे धीरे डालते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। इसको जल्दी से चलाएंगे नहीं तो ये इसमें लम्स पड़ जाएंगे। यहाँ देखिए हमारा रसमलाई का रस बिल्कुल तैयार है। इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि कस्टर्ड कच्चा ना रहे और फिर उसके ऊपर हम ड्राई फ्रूट क्रश करके डाल देंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम रबड़ी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे मिल्क पाउडर 2 चम्मच लिया है, उसके ऊपर ये कस्टर्ड पाउडर का जो हमने रस बनाया था रसमलाई का रस, उसको हम इसमें ऐड करके अच्छी सी रबड़ी तैयार करेंगे। तो ये देखिए हमारी रबड़ी भी बन गई है। अब मैंने एक स्लाइस ब्रेड ली है, उसके ऊपर हम ये रबड़ी अच्छे से फैला देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल देंगे और इसके ऊपर फिर से हम एक स्लाइस ब्रेड लगा देंगे। तो इसी तरह हम अपनी सारी स्लाइस तैयार कर लेंगे और किसी बॉल में आपको जितनी रखनी है, मैंने यहाँ पे जितनी आ सकती थी बॉल में आसानी से उतनी तैयार करके रख ली है। और बस इसके ऊपर रस डालेंगे रसमलाई का जो हमने तैयार किया था और इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। तो दोस्तों हमारी रसमलाई इंस्टेंट वाली तैयार है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।